अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान लियाकत, फाउंडर ईच वन टीच वन फाउंडेशन। और जो तहरीक जो पिछले 5 साल से जो है वो रन हो रही है ईच वन टीच वन के नाम से, मैं उसका बानी हूँ। और आज 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैं हर उस इंडिविजुअल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने जिसने इसमें किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट किया, चाहे कोई वॉलंटियर वर्क कर रहा था, चाहे कोई एडमिन स्टाफ में था, चाहे कोई वैसे टीम का हिस्सा था। आप सब की कोशिशों से, आप सब की हिम्मत से हम लोग इन 5 सालों में तकरीबन 500 ऐसे बच्चों तक पहुंच पाए हैं जो कि पाकिस्तान की सड़कों पे कचरा उठाते हैं, भीख मांगते हैं, गत्ता उठाते हैं, रिफ्यूजीज हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के बच्चे हैं। और इनके लिए 3 ऐसे स्कूल बनाने में हम 5 सालों में कामयाब हुए हैं जो कि जिनमें मुफ्त और मियारी तालीम जो है उन बच्चों को मुहैया की जाती है। आप सब की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ है। नो डाउट कि मेरा ये आइडिया था, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कॉज, लेकिन मैं ये सब मेहनत जो है, मैं ये सब जो है जितनी भी एफर्ट्स पुट इन हुई हैं, ये सब उन वॉलंटियर्स का नतीजा है जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत के बाद हम उस लेवल पे पहुंचे हैं कि आज 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन फोकस होगा अगले कुछ सालों में इस कैंपेन को लेके, हम लोगों ने बॉडी बना ली है, हम लोगों ने अपने स्कूल्स बना लिए हैं, हम लोगों ने जो मेन मेहनत थी वो की है इन 5 सालों में। हमने पूरा अपना भरपूर जोर लगाया है कि किसी तरीके से हम उन 2.5 करोड़ बच्चों की आवाज़ बने, क्योंकि आर्टिकल 25 से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है, अगर आप उसको गूगल करें, उसको पढ़ें, तो हर पाकिस्तानी बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है, उसका ये बुनियादी राइट है जिससे उसको महरूम रखा जाता है। क्योंकि उसमें वाजिया तौर पर लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है, उसके लिए कंपलसरी एजुकेशन है, उसको सड़क पे नहीं होना चाहिए, उसको स्कूल में होना चाहिए, विच द स्टेट इज़ फेल्ड टू प्रोवाइड। और उसके वजह से हम लोगों ने इसको किया था, शुरू किया था, और यह पूरी तहरीक बनेगी। आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में हम लोग इसको पूरी एक तहरीक बनाएंगे, एक प्रेशर ग्रुप आप कह लें, जो कि आवाज़ बुलंद करेगा, जो कि उन बच्चों के राइट्स के लिए काम करेगा, जो कि हाईलाइट करेगा इश्यूज़ तालीमी निज़ाम में। आज का जो बच्चा है उसके लिए सबसे बड़ा जो इम्तिहान है, सबसे बड़ा जो इशू है, वो ये तालीमी निज़ाम है। और इसके ख़िलाफ़ अगर हमने अब आवाज़ ना उठाई तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो तबाही की तरफ जाएगी। और इसकी जो इम्पैक्ट आप देखेंगे पाकिस्तान में, अगर आप गूगल करें कि 49% ऑफ द गर्ल्स जिनकी उम्रें स्कूल जाने की हैं वो आज तक स्कूल नहीं जा पाएँ, तो इतना बड़ा जो जुल्म है। 97 के बाद हम अपना सिलेबस अपग्रेड नहीं कर पाए। इंडिया के जाके आप देखें, सारे लोग CEOs जो हैं, जितने हैं ग्लोबली कंपनीज़ के, वो सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, और हम लोग जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। और हम लोग समझते हैं कि हम जिसको वोट दे के लाते हैं वो सिर्फ उसका काम गलियां पक्की कराना और सुई गैस के पाइप डालना है। हालांकि उनके स्कूल का मुतालबा कीजिए, उनको बोलिए कि तालीम दें, इनके अपने बच्चे तो ब्यूरोक्रेट्स के और इनके सारों के जो हैं बाहर से तालीम हासिल करके आते हैं, और जो मज़दूर का बच्चा है वो बुनियादी राइट जो है पाकिस्तान में तालीम, उससे दूर है। अगले कुछ सालों में हमारा फोकस होगा जी, हम लोग इसको एक मेन स्ट्रीम इशू बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम में जो है रिफॉर्म्स लेके आए जाएं, और वो बुनियादी जो हमारे चंद नकाद है उसमें आर्टिकल 25A का निफाज है सबसे पहले, उसके बाद सिलेबस की अपग्रेडेशन है, एक सिलेबस हो, स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से स्कूल पंजाब में इवन ऐसे हैं जो कि जिनमें पीने का साफ पानी नहीं है, वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। और ये सब मुमकिन कैसे होगा? ये सब ऐसे मुमकिन होगा जब हम इसको प्रॉब्लम समझेंगे, हम समझेंगे कि गरीब के बच्चे के भी ये मसले हैं। और यकीन कीजिए कि इन 5 सालों में जितने बच्चों को हमने स्कूल की राह दिखाई, उन सब का ताल्लुक ऐसे तबके से था जो कि पाकिस्तान में या तो भीख मांगता है, या गत्ता उठाता है, या रिफ्यूजीज़ है। और इन सब का मैं बड़ी दयानतदारी से आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत सा जो एसेट है, बहुत से जो बच्चे हैं जो कि इतना ब्राइट, जिनका फ्यूचर है, जो कि बड़े पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ इसलिए जो है वो तालीम की राह पे गामजन नहीं हो पाते कि उनके स्कूलिंग नहीं।
ठीक है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूल्स का, इस सब के लिए आवाज़ उठाएं, हमारा साथ दें। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते, अपने इर्द गिर्द एक ऐसा बच्चा ढूंढिए जिसको आप तालीम दे सके, और उसको तालीम दीजिए जिसको आप उसका हाथ पकड़ के एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेके जाइए, ताकि इससे होगा क्या कि वो जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो भिखारी हम पैदा करने जा रहे हैं वो भी स्कूल जा पाएंगे। आज के दिन 5 साल क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं, मैं हर उस इंडिविजुअल का शुक्रगुजार हूँ, हर उस मीडिया पर्सन का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारा साथ दिया, लॉयर्स की एक बड़ी तादाद है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ईच वन टीच वन की फाउंडिंग बॉडी है, ये सब वो लोग हैं, ये सब वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में दिन रात एक करके 3 स्कूल बनाए हैं, और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि हम अपनी भरपूर एफर्ट लगाएंगे, हम अपनी भरपूर मेहनत करेंगे, हम लोग ऐवानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, हम लोग ऐवानों तक ये सदा सुनवाना चाहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में एक गरीब बच्चे के लिए भी उतनी ही बुनियादी तालीमी सहूलतें हों जितनी कि एक ब्यूरोक्रेट के बच्चे को हैं, जितनी कि एक डॉक्टर के बच्चे को हैं, एक आम बच्चे को हैं, लेकिन जुल्म का निज़ाम और सोशल जो इनजस्टिस है वो ये है कि एक तरफ तो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो मेड होती है, जो घर में काम कर रही होती है, उसके बच्चे स्कूल से बुनियादी रहते हैं और वो लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट है और एक बुनियादी, आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम पढ़ते हैं, छोटे होते से हम पढ़ते आए हैं कि वो सोशल इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे, तो एज़ अ मुस्लिम भी हमारी ज़िम्मेदारी है, सोशली तो है ही, और एज़ अ मुसलमान भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस ये जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है मुआशरे में, कि एक तरफ जो अच्छे ख़ानदानों के बच्चे हैं वो तो मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप किसी देहात में जाके देखिए कि स्कूलों का क्या हाल है, सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है 9th की कंप्यूटर की बुक से, अभी तक हम आप उठा के उसको पढ़िए, यू केम टू रियलाइज़ कि अभी तक हम माउस और कीबोर्ड की जंग से बाहर नहीं आ सके। जिस बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जो फेसबुक यूज़ कर रहा है, जो ट्विटर यूज़ कर रहा है, जो यूट्यूब चलाता है, उसको हम ये सिखा रहे हैं कि माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। जब तक आप सिलेबस में रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, सिलेबस अपग्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप बच्चों की ग्रूमिंग नहीं करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं होगा, उनको स्किल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट पे काम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और इस सब के लिए सबसे बुनियादी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको इशू समझें, इस पर बोलें, बात करें, आवाज़ उठाएँ, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाएँ। ये आप और मेरी ज़िम्मेदारी है, ये एक पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाए, और यही ज़िंदा कौमों की निशानी है कि वो जुल्म के सामने जो है आवाज़ बुलंद करते हैं, और सिम्बॉलिकली अपनी एफर्ट से ये इंशाल्लाह जंग हम जीतेंगे, और इंशाल्लाह द डे विल कम, आई एम वेरी मच होपफुल द डे विल कम जब ये स्ट्रगल जो है, ये जो तहरीक है, ये एक बड़ी तहरीक बनेगी, लोग जुड़ेंगे इसके साथ, और द डे विल कम व्हेन दीज स्मॉल लिटिल एफर्ट्स विल काउंट टू मेक हिस्ट्री, वी विल डेफिनेटली एंड दिस एजुकेशन क्राइसिस फ्रॉम दिस ग्रेट पाकिस्तान। अब सब की दुआओं का, जो लोग मुझे सोशल मीडिया से सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जो इवन क्रिटिसाइज भी करते हैं, मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। आप सब की एफ़र्ट्स के बग़ैर ये 5 साल कभी भी पूरे नहीं होते थे, और आप सब की एफ़र्ट्स के साथ मैं लगा हुआ हूँ, आप सब की दुआओं के साथ, आप सब की जो मोहब्बतें हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। टीम ईच वन टीच वन जो है वो रुकने वाली नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग अपनी आखिरी सांस तक ये जंग लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, जब तक एक भी बच्चा स्कूल से बाहर है हम लोग नहीं रुकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।